साथियों, आज मैं हूँ अपने एक प्यारे से फूल सिनेरारिया के पास, और जल्दी जल्दी आज हम सिनेरारिया से संबंधित, इसकी केयर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे कि इसकी केयर हमें कैसे करनी चाहिए। देखिए, मेरे पास ये चार प्लांट है, एक कलर ये है अलग अलग करके, दूसरा ये है और तीसरा ये है और चौथा ये है। इस तरह चार कलर के ये हमने हैंगिंग बास्केट और पॉट्स में, कंटेनर में लगाए हुए हैं। तो इसकी केयर से संबंधित बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें जो आता है सिनेरियर से संबंधित, सिनेरारिया को कब बोना चाहिए। एक्चुअली ये बीज से बोया जाता है, आसानी से बीज से हो जाता है, तो बीज को बुआई हम कब करना चाहिए। तो जो सिनेरारिया का जो पौधा है, ये ठंड में उगना पसंद करता है, ये ठंड में उगना पसंद करता है, इसलिए इसे सितंबर से और जनवरी के बीच में इसके बीज को बो लेना चाहिए। इसकी बुआई कर सकते हैं हम सितंबर से जनवरी के बीच में। लेकिन हमारे यहाँ के जो जलवायु के अनुसार, इसे अगर हम दिसंबर में लगाएं और इसकी एक माह के बाद जब ये लगभग 5 सेंटीमीटर का इसका पौधा हो जाए, तो इसे जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरू में इसको ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए। तो ये फिर आपको स्प्रिंग के शुरू में और अर्ली समर तक ये अच्छा फ्लावर देता रहता है। अब दूसरा प्रश्न आता है, के बीज को बोने का तरीका क्या। बीज का बोने का बड़ा आसान सा तरीका इसका है कि एक गमले में हम दो बीज लगाएं, केवल दो बीजों को, उनको उंगली से थोड़ा सा दबाइए मिट्टी के नीचे, और हल्का सा दबाकर उसमें मिट्टी, उसको मिट्टी ढक दीजिए, और इसमें जो इसकी जो मिट्टी होगी ना, वो गार्डन सोइल ले लीजिए 50% गार्डन सोइल, कंपोस्ट ले लीजिए 40% और 10% सैंड ले लीजिए। बस इसी में बीज को एक गमले में दो बीज करके लगा दीजिए, और जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो एक गमले में एक पौधा ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब बात आती है कि ये इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है। तो एक्चुअली ये सिनेरारिया का जो पौधा है, ये 55 से 65 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के बीच में बहुत अच्छा चलता है, अच्छी ग्रोथ करता है, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये मर जाता है। तो इंडोर में अगर रखना है तो इसको हमें 55 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखना पड़ेगा, इससे कम ना ज़्यादा में इसे दिक्कत हो जाती है। बाकी इसको इंडोर में इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में अच्छा चलता है, ऐसी विंडो पर हम रखना, और आउटडोर में पार्शियल शेड चाहिए, पार्शियल से फुल शेड पसंद है, इसे फुल शेड हो या पार्शियल शेड हो, धूप चाहिए अगर सुबह की, लेकिन दोपहर बाद इसको पार्शियल शेड चाहिए या फुल शेड चाहिए। बात आती है कि सिनेरारिया का फूल कितने दिन चलता है। अभी जैसे हमारे यहाँ अभी चल रहा है, ये बात आती है कि ये कितने दिन चलता है। बाकी दूसरे पिटूनिया वगैरह के साथ इसको लगाइए, हमने ये किया है पिटूनिया के साथ, इसको आइस प्लांट के साथ, पिटूनिया के साथ बास्केट में बीच में लगाया, बड़ा सुंदर है। तो ये इसका फूल जो है ना, 2-3 सप्ताह आसानी से, अगर इसको ठीक से केयर करेंगे 2-3 सप्ताह आसानी से चल जाता है। कई बार तो होती है, क्या इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू है। जी हाँ, ये कई दवाइयों में जैसे लेप्रोसी, डिसेंट्री,
एस्थमा ल्यूकोडर्मा की दवाइयों में प्रयोग होता है ये पौधा। ये बताती है कि क्या ये पौधा टॉक्सिक है? जी हाँ, सिनेरेरिया का पौधा बच्चों और पेट से, डॉग कैट से, इनसे थोड़ा सा दूर रखना। अगर वो पत्ते उत्ती खा लेंगे तो समस्या आ जाती है, ये पॉइजनस है। पौधा के क्या सूरज इसको चाहिए? जी हाँ, इसको इंडोर अगर है तो ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, और आउटडोर है तो पार्शियल या फुल शेड चाहिए इसको। तो बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड से दूर, इसे ठंड से बचाना है। पानी की जहाँ तक बात है, इसकी मिट्टी, पानी मतलब कैसे दें, कितना दें, तो इसकी मिट्टी को हमें नम रखना है। तो अपनी मिट्टी के हिसाब से, अपने यहाँ की जलवायु के हिसाब से इसको हमें पानी देना है। तो मिट्टी को नम रखना है, लेकिन गीला नहीं रखना, सोगी नहीं होनी चाहिए, ओवर वाटरिंग को अवॉइड करना है। कई बार आती है कि क्या कटिंग से लग सकते हैं? कटिंग से लग सकते हैं, लेकिन आसानी से ये बीज से चलता है। कटिंग से भी आप बरसात में कटिंग ले लीजिए, और इंडोर में सर्दियों में उगाने के हिसाब से फिर इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। क्या ये बात आती है कि बिगनर्स के लिए क्या ये अच्छा है, इजी टू ग्रो है? बिल्कुल इजी टू ग्रो है, गमलों में इसको आसानी से, कंटेनर में इसको लगा सकते हैं। तो फूल इसके 35 से 50 दिन में आ जाते हैं, बुआई के बाद 35 से 50 दिन में। अब ये बात आती है कि उर्वरक इसको कौन सा दें? तो देखिए, फ्लावरिंग प्लांट है तो इसको पोटेशियम और फास्फोरस रिच जो उर्वरक होते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर, उनको दीजिए, और 2 सप्ताह में एक बार इसको देना चाहिए। जैसे कि हमारा बनाना पील है, वेस्ट डिकम्पोजर है, जीवा अमृत है, ये ऐसे लिक्विड जो हमारे फर्टिलाइजर है उनको देना चाहिए। कई बार ये कहते हैं कि क्या ये समर फ्लावर है? तो केयर इसको करें, वैसे तो ये सीजनल फूल है, और ये अर्ली स्प्रिंग में आता है, और ये जैसे कि मैंने बताया 2-3 सप्ताह ये आराम से चल जाता है। मिट्टी की बात है कि कैसी होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि 50% गार्डन सॉइल, कंपोस्ट 40% और सैंड 10%, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। इसके पोट में जिसमें इस मिट्टी को रखेंगे उसमें नीचे होल होना चाहिए, और होल में से जिस पे पत्थर रखे और उसमें मिट्टी भर के इस पौधे को, पन्नी या पॉलिथीन वगैरह जिससे लाए उसको हटा के और इसको सेंटर में रख दीजिए। इसके जो फूल है ना, वो 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर टेम्परेचर है तो बहुत ही अच्छे से खिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं सिनेरारियर से संबंधित कि जो ये वैसे तो दक्षिण अफ्रीका का, मेडागास्कर का ये मूल निवासी है, और इसका वैज्ञानिक नाम सिनेरारिया है, और ये सिनेरारिया जो जीनस है इसमें का लगभग 50 स्पीसीज है, और ये बड़ा ही सुंदर पौधा है जो हमारे टेरेस गार्डन, हमारे बालकनी, हमारे कंटेनर में, चाहे वो आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए, ये बहुत ही सुंदर पौधा चलता है। तो ये थे कुछ प्रश्नों के उत्तर सिनेरेरिया फ्लावर से संबंधित, जो कि हमारे इस समय बहुत ही अच्छा ये चल रहा है हमारे गार्डन में। तो थैंक यू दोस्तों।